जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कहानी। भारत में त्योहार मनाने की बहुत ही पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। ऋतु परिवर्तन और क्षेत्रीय मान्यताओं के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हालांकि कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो देश के कोने कोने में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दिवाली भी ऐसा ही एक त्योहार है जो देश को एक रंग में रंग देता है। 5 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार समृद्धि और धन धान्य का माना जाता है। बदलते वक्त के साथ दिवाली मनाने के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बदली वो है गोवर्धन पूजा। हर साल इसको मनाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जाता रहा है। दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज क्षेत्र के मुख्य केंद्र मथुरा से 22 किलोमीटर दूर उत्तर में गोवर्धन पर्वत स्थित है। गोवर्धन पूजा का महत्व इसी पर्वत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण की देवराज इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में मनाए जाने की रिवाज है। दरअसल हिंदू धर्म के भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण गोकुल में अपने बाल लीलाएं कर रहे थे। उस वक्त शरद ऋतु में ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। इसके पीछे मान्यता थी कि इंद्र ही बारिश करते हैं, जो उनके जीने के लिए सबसे बड़ा कारक है। इंद्र को इस बात का बहुत अभिमान भी था। कृष्ण चाहते थे कि लोग इंद्र की वजह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि बारिश और पर्यावरण की शुद्धता गोवर्धन पर्वत की वजह से है। इस पर उगने वाला जंगल और वनस्पतियां बारिश के अनुकूल हालत पैदा करते हैं। चूंकि अपनी बुद्धिमता और ज्ञान के चलते कृष्ण आम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय थे, उनकी तार्किक समझ का लोग सम्मान करते थे, इसलिए ब्रजवासियों ने उनका गोवर्धन पूजा करने का प्रस्ताव मान लिया। सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पूजा के लिए 56 भोग मनाए। पूजा सामग्री लेकर सब गोवर्धन पहुंचे। देवराज इंद्र को इस बात की खबर मिली तो वह कुपित हो गए। आवेश में आकर उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश और तूफान का कहर बरसा दिया। लोग इससे भयभीत हो गए और मदद के लिए चीखने लगे। हालात भी काबू होते देख श्री कृष्ण ने अपने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रजवासी अपने गायों के साथ पर्वत के नीचे आ गए। तूफान का यह सिलसिला 6-7 दिनों तक चलता रहा, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। इंद्र ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने सभी को सुरक्षित रखा है और उसके तूफान और बारिश का कोई असर नहीं हुआ है, तब उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु अवतार हैं। उसने श्री कृष्ण से अपने दुस्साहस के लिए क्षमा याचना की। इस तरह श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर कर दिया। उसके बाद गोकुल वासियों ने गोवर्धन की पूजा की। उसी दिन से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। विष्णु पुराण में इस दिन की महत्ता को लेकर एक वर्णन और मिलता है। राजा बलि किसी भी कीमत पर अपने दिए वचन के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वामन का रूप धारण किया और बलि के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से कहा कि
मुझे आपके राज्य में 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने उनके बौने रूप को देखा और कहा कि आपकी 3 पग भूमि तो बहुत ही कम होगी। इस पर भगवान वामन ने कहा कि आप बस मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प करें। बलि ने उनकी बात सहज स्वीकार कर ली और उन्हें वचन दे दिया। भगवान वामन ने 1 पग में जमीन को और दूसरे कदम से आकाश को नाप लिया। अब वचन के मुताबिक 3रा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। अपने वचन के पक्के राजा बलि ने भगवान वामन के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा कि आप 3रा कदम मेरे सिर पर रखें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाराष्ट्र में इसी मान्यता के अनुसार इस दिन को मनाया जाता है। इसी दिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यह दिन गुजरात में नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन का प्रतीक बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जिसे भोग कहते हैं। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, रहियो तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। घर घर में इस गीत को गाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।